कहीं दिखा दें, हम इनके दौरों का इंतजाम कर लेंगे। एक ईंट नहीं, पाकिस्तान के एक कोने से आखिरी कोने तक ईंट ही ईंट इनको दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब आगा रफीउल्लाह साहब, 18 नंबर चेयर का माइक खोलें जी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जिस तरह ख्वाजा साहब ने और असद उमर साहब ने एक बेहतरीन मुकाबला किया, काश अगर असद उमर साहब स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए कुछ बोल देते तो बड़ा एहसान होता उनको, क्योंकि आपका एक कमिटमेंट थी कि मैं स्टील मिल के इशू पर पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ, पीटीआई के साथ नहीं। मैं कहता हूं आप पीटीआई के साथ खड़े हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके उन स्टील मिल के मुलाजमीन का, उनके हक में अगर दो अल्फाज यहां बोल जाते तो आपका कुछ नहीं जाता। आपके बारे में पहले ही लोग जानते हैं कि आप कम से कम थोड़ा बहुत अपनी बात का पहरा दे सकते हैं, एक सियासी अमल के थ्रू आप आए। जनाब स्पीकर, पिछली हुकूमतों पे मैं तो तैयारी करके आया हुआ था फिगर्स के हिसाब से, लेकिन वो सीनियर दोस्तों ने बड़े तफसील से बयान किए, लेकिन मैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना के ऊपर जब कहा कि टाइगर फोर्स बनाई जाए, तो उस दौरान मेरे हलके में मेरे काफी दोस्तों ने, पार्टी के साथियों ने मुझे एक तहरीर लिख के दी कि अगर हम टाइगर फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो क्या ये तरीका होगा कि जनाब एक सूबे की हुकूमत कहती है कि आप लॉकडाउन करें, वो किस लिए करें, कि लोगों की जानें बचाई जाएं, लोगों को तहफ्फुज दिया जाए, लेकिन आप कहते हैं कि जी ये तो एक फ्लू है, ये इतना खतरनाक वायरस नहीं है। फिर उसके बाद हम मेहनत करते हैं वहां पर अपने मस्जिद में, अपने इलाके के मजहबी जितने भी फिलोसफर हैं, असातिज़ा हैं, उलमा कराम हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके कि ये इस वबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस क्या कहती हैं, कलाम पाक हमें क्या रहनुमाई देते हैं, उसकी रोशनी में एक तल्ख फैसला करना पड़ा सिंध हुकूमत को कि हमें मसाजिद में मखसूस यानी 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी। और उस दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक बहुत अफसोसनाक तरीके से कौम को डिवाइड करते हैं, एक मजहबी कार्ड खेला जाता है जिसमें आप आके कहते हैं कि क्यों मैं रोकूं लोगों को मस्जिद में आने से। हमें मस्जिद में आने से रोकने के लिए कथन हक में नहीं है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तेज बारिश में एक रात मना करते हैं मस्जिद में जाने से कि घर में नमाज पढ़ें, तो फिर खुदा के लिए आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं, आप पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस टाइम अब हम जिस जगह जा रहे हैं, आज हम बजट तो बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो फिगर्स असद उमर साहब कह रहे हैं या ख्वाजा साहब कह रहे हैं, अल्लाह करे ये सारे फिगर, ये जो भी इदारे कह रहे हैं, ये गलत साबित हो, क्योंकि हर पाकिस्तानी, खास तौर से मेरी वालदा, आप लोग, हर घर में एक ज़ईफ माँ बाप मौजूद हैं, वो तमाम लोग किसी ना किसी मर्ज में मुब्तला है, और ये वायरस एक बूस्टर का किरदार अदा करता है उस मर्ज को। तो मैं दोबारा इस हाउस में आप तमाम दोस्तों से हाथ जोड़कर वजीर आजम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा जिस नहज पर आप ले गए कोरोना के इस इशू को, उससे बैकफुट पे चले जाएं, हमारी और अपनी जिंदगियों का एहसास करें। हम सब पाकिस्तानी हैं, ये वायरस ने किसी को नहीं देखना कि ये पीटीआई है या ये पीपल्स पार्टी है, ये वायरस है, ये वबा है, इसने सबको निकलना है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं जनाब स्पीकर, आपने 5 साल हुकूमत केपीके में की, आपकी गवर्नमेंट ने,
आपने कहा था कि जनाब 70 यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, आप बता दें कि उस 70 यूनिवर्सिटियां कहां हैं, बल्कि आपने 16 कॉलेजेस बंद किए हैं। क्यों? आपने तो बनाना था जो कॉलेजेस पिछली हुकूमतों ने, जो हमारे अलायंस थे केपीके में, एमपी की गवर्नमेंट ने जो बनाए थे वो आपने बंद किए, उसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपके पीछे अंपायर की उंगली है। फिर आपने कहा था जनाब 350 डैम्स बनाएंगे, वो डैम्स कहां हैं? अभी भी जो डैम्स आप बना रहे हैं, असद उमर साहब ने कहा कि इस टाइम 3 डैमों पे काम चल रहा है। एक चाइनीज कंपनी एक डैम के लिए अप्लाई करती है, उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि आप क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि आपकी फर्म जो है वो क्वालिफाई नहीं करती इसके लिए, और वो आपके कैबिनेट के एक मिनिस्टर साहब की फर्म ले लेती है। फिर उस चाइनीज कंपनी को दोबारा दूसरे टेंडर में आप दूसरा डैम बनाने के लिए दे देते हैं, फिर वो क्वालिफाई कर जाती है क्योंकि आपकी सेटलमेंट हो गई है। तो अगर इस तरीके से आप समझते हैं कि आप तरक्की कर सकते हैं इस मुल्क में, तो मैं नहीं समझता कि आप इस तरीके से जनाब स्पीकर ये अपने मकासद में या अपने फिगर में पूरे हो सकते हैं। आपने बड़ा बुलंद नारा लगाया कि साफ चली शफाफ चली, न साफ चली न शफाफ चली, वो गुल आपने खिलाए, वो करप्शन आपने की, इस किस्म की करप्शन। मैं तो हर अपने हलके में जब लोगों से मिलता हूँ वो कहते हैं कि अगर पुराना पाकिस्तान ही मिल जाए तो कम से कम इस हाल से अगर जान छूटती है तो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राजी होते हैं। वो ये जो मरहला हमारा जो दिन ब दिन हम अपनी तबाही की तरफ बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उससे बचने के लिए कोई तरीका यही बता दें कि हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं। आपने ₹80 करोड़ पे खर्च करके नैप का इदारा बनाया केपीके में और फिर बंद भी कर दिया। वहां पर आपके जब किसी भी इश्यूज के ऊपर बात आ जाती है आप चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, आप स्टे ले लेते हैं। भाई स्टे किस बात पे? चोर आदमी को तो स्टे की जरूरत ही नहीं है, हर चीज पे, हर केस में, हर मामले पे आप स्टे पे हैं। आपको तो चाहिए कि जिस तरीके से आप कंटेनर पे बात करते थे उस तरीके से अवाम के सामने आए कि जी ये थे चोर जो स्टे पे चलते थे, मैं साफ हूं शफाफ हूं, ये रखा है मेरा हिसाब किताब। आप कहते हैं कि मैं अमीन सादिक और अमीन हूं, सादिक और अमीन वो नहीं होते जो पाकिस्तान स्टील मिल के गेट में मजदूरों के साथ झूठ गलत बयानी करें, और यहां जब इख्तदार के मजे आ जाएं, जिस तरह असद उमर साहब ने कहा कि जब इख्तदार का मजा आता है तो फिर वो बुजदिल हो जाते हैं, फैसलों में वो वाली बात नहीं रहती जो तकरीरों में आपके खड़कती जो तकरीरें जिस किस्म से आप करते थे। 2 अरब 34 करोड़ और 322 कनाल का बनी गाला लक्सरी ग्रेड, ये सारी चीजें आप मैनेज किस तरह कर लेते हैं? मुझे हम और आप एक नॉर्मल 500 गर्ल्स के मकान में रहते हैं घर में, उसका मैनेज करना, उसको चलाना, ये मुझे पता है तकरीबन मेरे तमाम कुलीस बशमूल आपको पता होगा कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा महल ये मैनेज करते हैं और फिर भी सादिक भी है और अमीन भी है। जनाब स्पीकर, हर चीज के ऊपर जब आटा और चीनी की बात करें तो फिर आपको एक बात याद आती है कि जी ये तो गरीब तरीन है या करीब तरीन है। जब आटे की बात आए तो वो आपके अजीज तरीन हो जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं सारी चीजें। फिर जब बात हो कि ये सिलाई मशीन से इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज, इतनी ज्यादा जायदादें, इत्तेफाक की बात ये है कि जनाब स्पीकर ये गरीब तरीन लोग बहन भाई, लेकिन इस मुल्क में इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, ये ना मेरी हो सकती है ना आपकी हो सकती है। आप मुझे बताएं कि इस हैसियत में, जिस हैसियत से आप और मैं जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरीके से खान साहब के बहन और भाइयों की तरह जायदादें बना के दिखा दें। जनाब स्पीकर,
ऐसे वक्त इदारे आंख बंद करके बैठे हुए हैं, कोई नहीं जो इस माफिया को पकड़े, कहर से डरे, किसी न किसी खौफ से हो कि आज के दौर में हर आदमी इस वबा में मुब्तला है, लेकिन आप एक नॉर्मल मामूली सा इंजेक्शन होता था जो 25-30 हज़ार रुपये में मिलता था, आज 6 लाख रुपए में जनाब स्पीकर नहीं मिल रहा। आपके इदारे कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं जो इन चीज़ों को चेक करते थे? मतलब अगर गवर्नमेंट का मकसद क्या है, रियासत बोलते किस चीज़ को? मैं अगर इस मुल्क के साथ एक मामूली सा मास्क, सर जनाब स्पीकर साहब ये 200 रुपए का अगर मिलता था ना, तो आज 2000 रुपए का नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल मास्क जो हम और आप डेली पहनते हैं, उसका डब्बा 200-300 का था, आज आप चले बाजार में 4000 रुपए का है, तो इसको कौन लेगा स्टैंड? मतलब इसके ऊपर कोई और मखलूक आएगी और लोग आएंगे फिर बात करेंगे? अगर हम आपसे बात करें कि जनाब स्पीकर साहब के टैक्स आपने नहीं लगाए, तो वो टैक्स जो मैं अहम आम आदमी दुकान पे जाके कोई भी चीज़ खरीदता है बगैर किसी पूछे, बगैर किसी के, वो असल तो जुल्म आप ये कर रहे हैं। आप टैक्स लगाएं, पता हो कि क्या, लेकिन एक आम आदमी कोई जाके ये कागज भी खरीदता है तो भी उसको टैक्स देना पड़ता है। अगर वो घर से बाहर निकल के पेट्रोल डलवा रहा है तो उस पर टैक्स है, अगर वो खाने की चीज ले रहा है तो टैक्स है, हर चीज पर आज आप टैक्स ले रहे हैं। लेकिन आपको फिर महंगाई का जो शर महंगाई बढ़ रही है ये आपको नहीं समझ आ रही है। क्यों? अगर ये चीज़ आपको समझ आती तो आप कम से कम इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में ऐसा डिसीजन नहीं लेते आज कि पाकिस्तान में किसी भी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, और आपकी देखा देखी पंजाब ने भी वही काम किया, चूंकि जब बड़ा भाई करेगा तो छोटा भाई वसीम अकरम प्लस तो वही करेगा। लेकिन मैं आपकी तवासिस से, इस हाउस के तवासिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब इसके बारे में गौर किया जाए, किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट मुलाजमीन के बारे में कोई ना कोई आप रास्ता निकालें। जिस तरीके से असद उमर साहब ने कहा कि तरक्याती बजट, तरक्याती बजट आपका कौम और लोगों के आगे आया हो गया। आपने कहा कि कराची में हमारी 14 सीटें हैं, तो कराची में 3 MLA और भी आते हैं, आपने डेवलप जो फंड दिए हर MLA को 15-15 करोड़ रुपए, उसमें कहीं भी उस MLA को आपने नहीं डाला जो सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान, उसका उसकी उस इलाके के लोगों की सजा ये कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इतमाद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MLA को वोट दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MLA वहां से आए। फिर आप कहते हैं कि जी हम इत्तेदाल पसंदी की बात करते हैं, आम आदमी। अगर कराची में देखा जाए तो ये 3 हलके हैं जो मजाफाती हैं, जो कि देही इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसको जरूरत है, और PTI को भी उन्होंने वोट दिया, वहां से ऐसे लोग हैं जिन्होंने PTI को वोट दिया है। तो मैं समझता हूं कि आपको, इस हाउस को, मैं तकरीबन हर मेंबर को ये कह चुका हूं कि खुदारा इसके ऊपर आप लोग बात करें। ये इस तरीके से नहीं होता कि ये मेरी मर्जी का, ये मेरी पसंद का है, उसको देना चाहिए उसको नहीं चाहिए। साबका फाटा का 100 अरब रुपए का वादा किया गया था, वो कहाँ है? लेकिन वादों पे आप कभी भी नहीं उतरे हैं, वादों पे आप एक ही वादे पे उतरे हैं कि आपने कहा कि मैं रुलाऊंगा और वो आप रुला रहे हैं, पूरी कौम रो रही है। कोई एक चीज ऐसी बता रहे कि पाकिस्तानी हवाम ये समझे कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपने लंबे चौड़े जो पेस्ट करके हमें इतने बंडल पकड़ा दिए, ये वही है जो आपको ये ब्यूरोक्रेसी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके देती रही है। आपको एक मंसूबा जनाब स्पीकर बताएं कि आने वाले 5 सालों में ये कौम यहां खड़ी होगी, आने वाले वो वादे जो आपने कंटेनर पे किए, जो आपने हर जगह जाके किए, जिस तरह स्टील मिल के मुलाजमीन से किए, क्योंकि ये मेरा डिस्ट्रिक्ट था, मेरा जिला था, मैंने आपकी सारी चीजों को मॉनिटर किया, देखा हर चीज से आपने उसी हिसाब से यू टर्न लिया।
खुदा के लिए अगर आपने इस कौम को होप दी थी और ये कोशिश की है, जो कि साफ आया हो गया कि आपके हेलीकॉप्टर वाले भी भाग गए, आपके आस पड़ोस वाले भी भाग गए, और जिन लोगों ने एक नाकाम कोशिश की थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, उनको भी पता चल गया कि एक गैर जमहूरी अमल से लाए हुए लोग किसी भी वक्त अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, वो माफियाज को फ़ायदा दे सकते हैं, वो ऐसे लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। आज आप देखें आपकी कैबिनेट में वो लोग बैठे हैं जो मोटर व्हीकल्स कंपनियों को फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट वहाँ शामिल हैं। आज आपके साथ वो लोग बैठे हुए जो स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान को कभी भी ग्रोथ नहीं देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि अपनी फर्म्स उनकी मौजूद हैं। जब आप कहते थे कि जी राइट मैन एंड राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह बिठाने की बात, वो तो आज आपकी किसी जगह किसी भी एक डिसीजन में नजर नहीं आ रहा। जनाब स्पीकर, अगर इस हाउस के साथ, इस कौम के साथ अगर थोड़ा सा सच्चे दिल से प्राइम मिनिस्टर अपने दिल पे हाथ रख के एक मरतबा इस कौम से खिताब वो करें जो उन्होंने तकरीरों में इस आवाम को की थी, किसी एक बात पर अमल किया हो, किसी एक वादे पर अमल किया हो तो बताएं। नहीं, हर चीज में आपको नफी मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो यू टर्न पे बात उनकी मिलेगी कि हर बात पर इनका यू टर्न मौजूद है। तो मैं दोबारा जनाब स्पीकर आपकी तवासत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बजट कहीं से भी अवाम दोस्त नहीं है, ये बजट कहीं से भी किसी गरीब को रिलीफ देने का, आप आसान सी बात बता रहा हूं, ये जो हमारे इस हाउस में हमारे लिए सुबह शाम मेहनत कर रहे हो, आप इनसे ही पूछ लें कि आपको कोई इस साल कोई रिलीफ मिला है? महंगाई तो इनके ऊपर असर करती है या नहीं करती, लेकिन अगर आप एक 20% इतनी सोच और ताकत आप में नहीं हो सकती कि आप आसिफ अली जरदारी साहब की तरह 50% तनख्वाहें बढ़ाते और पाकिस्तान का ये तबका खुशहाल होता और हर आदमी, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे पाकिस्तान के एम्प्लॉयज, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन ये 12 कह चुके हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब जैसी कायदाना सलाहियत हो तो हमारी जिंदगियों में बदलाव आया उनकी वजह से। यहां पर जनाब स्पीकर साहब, एक साल पहले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि ये टट्टी दल का मसला, जिसको हम और आप मलख बोलते हैं, कि ये तो लोग सारे परेशान हो गए कि ये क्या है, ये कौन सी मराज बला का नाम है, लोगों को यकीन नहीं आया। जनाब यूसुफ टालपुर साहब यहां पर रोजाना खड़े होकर शोर करते रहे। जनाब स्पीकर साहब ने कोशिश की कि उनके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए ताकि इसके ऊपर कोई बात हो सके, लेकिन वही हुआ जनाब स्पीकर, ना जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बात किसी के कान पे जूर, ना जनाब यूसुफ टालपुर साहब रोजाना इस हाउस में जब भी आते थे वो कहते थे कि खुदारा इसका सदे बाप किया जाए। आज सुबह जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान में आज सुबह की मैं आपको खबर बता रहा हूं कि सेब, आड़ू, इनके बागात पर अटैक हो चुका है। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखें, अगर हम आपको कहें कि आप कोरोना के ऊपर, तो आपके डिसीजन ऐसे, असद उमर साहब ने फौरन हमें इंडिया की मिसाल दे दी, मोदी की, हमें मोदी से प्यार नहीं है, मोदी से प्यार आप है, आपको है। जब आपने कहा कि मेरे बेस्ट विशेज हैं मोदी के लिए, हमारे बेस्ट विशेज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हर उस फर्द के लिए, हमारे बेस्ट विशेज पाकिस्तान से बाहर नहीं हो सकते। लेकिन जब आप कोरोना की बात करते हैं तो आप एग्जाम्पल हमें इंडिया का देते हैं, आप हमें इंडिया का एग्जाम्पल ना दें। आप अगर हमारे साथ, सिर्फ सिंध हुकूमत ने जो स्टैंड लिया उसको सिर्फ हमारे सपोर्ट करते, मैं हल्फिया कहता हूं कि इस कंडीशन में आज हम नहीं आते जिसमें हम जा रहे हैं। फिर टिड्डी दल के ऊपर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको झंझोड़ा, आपको कहा कि खुदारा इसका कोई सदे बाप करें, आपको समझ ही नहीं आती थी बात, आज फिर आप उस परेशानी में, उस दलदल में खड़े। इसी तरीके से आज आपको फिर कह रहा हूं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो से इस गवर्नमेंट को कि इस बजट के ऊपर नजरसानी करें, इसके ऊपर आम आदमी के लिए, किसी गरीब आदमी के लिए कोई एक चीज बता दें
कि जिससे पाकिस्तान का आम आदमी बड़ी आसानी से, असद उमर साहब कहते हैं कि क्या रेडी वाले को हम बंद कर दें, उसको बंद कर दें। नहीं भाई, किसने आपको कहा बंद करें? आज 3-4 महीने हो गए आप इसी कोरोना में, इकोनॉमी आपकी आधी बंद आधी खुली, आधी बंद आधी खुली, ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है, दुनिया का कोई कारोबार नहीं हो रहा। फैक्ट्री ओनर्स से जब आप बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जी हमने एक महीने तनख्वाह दे दी, दो महीने दे दी, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो कौन चलाएगा भाई ये मुल्क? अगर आप ये कह रहे हैं वो ये, तो फिर पॉलिसी दे ना कोई। ये तो नहीं हुआ पॉलिसी के हाँ ठीक है बस अल्लाह जाने, जितने मरते हैं वो मरे, जितने बचते हैं वो बचे। ये रियासत का काम ये नहीं है, रियासत इस तरीके से नहीं चलती। रियासत का काम है मॉब का, रियासत का काम बच्चा अगर आग में, बच्चा अगर किसी गलत चीज में हाथ डालता है तो मां क्यों अपने सारी रात की नींद जाया करती है? इनको कहें कि अगर गलती से आप लोग आ गए, इस कौम पर मुसल्लत हो ही गए, तो खुदारा कम से कम इतना एहसास कर ले, क्योंकि स्पीकर साहब जिस तरफ हम जा रहे हैं तबाही है। मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप खुदारा, इससे ज्यादा फ्रेंडली अपोजिशन आपको मिल ही नहीं सकती, इससे ज्यादा बेहतरीन आपको अपोजिशन मिल ही नहीं सकती, जो अवेयर है, जो सियासी और जमहूरी निजाम पर यकीन रखती है, जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जब भी यहां से बात हुई है आपको कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अल्लाह आपको भी दे कि कुछ इस तरह करें कि इस मुल्क को और कौम को थोड़ा सा तो कोई किरण दिखाए रोशनी की। अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ मायूसी के साए, लेकिन अगर नहीं आएगी अकल तो वो गवर्नमेंट को नहीं आएगी जनाब स्पीकर। उसकी वजह ये है कि आपके जहनों पर सवार है। हमने असद उमर साहब यहां अभी बात करते हैं नैब की और करप्शन की। नैब का जब चेयरमैन नैब हमने इदारे बनाए थे, हमने कानून साजी करके इदारे बनाए थे, उस कानून साजी के बाद उस इदारों को एक काम के ऊपर लगाया था, लोगों की किरदार कशी और लोगों की पगड़ियां, और लोगों को मजबूर नहीं किया था कि उससे अपने सियासी मकासद लें। अगर चेयरमैन नैब हमने लगाया था तो उस चेयरमैन नैब ने आपके खिलाफ जब बात की तो आपने सर से पांव तक उसकी वीडियो जारी कर दी। अगर आप में कोई अखलाकी जरूरत है तो उसकी एक कमेटी बनाए कि वो वीडियो क्यों जारी की और उस वीडियो को फिर रुकवाया क्यों, फिर उसका आज तक हुआ क्या? क्योंकि आपने लोगों को हैंडल करना है अपने हिसाब से, आप जमहूरियत पे आपका बिलीफ ही नहीं है। मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, बस एक दो बातें करके, बस आप 2-3 मिनट और ले लें, लेकिन एक बात आपसे कहूंगा, अगर रफीला साहब किसी ने भी पूरे इस ईवान में से एक बंदे ने आपकी तकरीर के दौरान कोई नारा, कोई आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपसे भी गुजारिश है कि आप 2-3 मिनट और ले लें, लेकिन इसके बाद जो इस बजट पे तकरीर होंगी आपसे मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि आपने भी कोई नारेबाजी नहीं करनी, और तहमुल से जिस तरह आपको सब सुन रहे हैं आपने भी उसी तरह सबको सुनना है, तो आप 2-3 मिनट और लीजिए। जी हाँ कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। जी हाँ जी, आगा रफीला साहब, आगा रफीला साहब आप बोलें। जी जनाब स्पीकर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल ऐसा ही है। इस हाउस का माहौल जितना अच्छा होगा उतना बेहतर अंदाज में हम इस कौम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन हम जो पीछे बैठने वाले लोग हैं वो बिलबिला रहे होते हैं। आज माशाल्लाह आप सबसे आगे हो, तीसरी बड़ी जमात की तरफ से पहली बजट पे आपको स्पीच मिली है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मेहरबानी है, नवाजिश है आपकी। बात यह है कि बड़े जब मैंने आपसे कहा कि हम बिलबिला रहे होते हैं, पीछे उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह होती है जब हम अपने लोगों में जाते हैं, जब उनके साथ बात करते हैं, जब वो हमें कोई बात बता, और वहां से फिर जब अब जैसे पिछले दिनों हमने स्टील मिल के लिए एक प्रोटेस्ट किया, वो हमने अगर बात करने की बात आए तो हमें मौका नहीं मिलता। अच्छा जब अगर हम वो प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाए तो कैमरा हमसे हट जाता है। तो इतनी अगर आप में ताकत नहीं है, इतनी आप में हौसला नहीं है, तो ये होती है गैर जमहूरी हरकत, ये होती है आपके अंदर की डिक्टेटरशिप की निशानियां।
मेरा हौसला है कि आप मुझ में अगर कोई खामी है तो मुझे बताएं, और उस वो मेरा दोस्त है, वो ना कि मेरा दुश्मन है। इनको तो चाहिए कि हाँ भाई आप बैठे बात करें, कोई बुरी बात नहीं है। असद उमर साहब कहें कि जी हमने उस टाइम ये बात की थी, उस टाइम ये बात थी, आज ये बात है, कौम को आके बताएं, लेकिन ये ना करें, धोखा ना दें कौम के साथ, मजदूरों के साथ। गरीब लोग हैं सर, दो वक्त की रोटी किस तरीके से कमाते हैं, आप मुझे बताएं। ऐसे पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन हैं जिनके घर में बीमारियां हैं, जो इसी आसरे में बैठे हुए थे कि मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, किसी की बेटी की शादी, किसी के घर में क्या, आपने सब एकदम ताला लगा दिया। ये नहीं सोचा कि ये 10,000 खानदान है, और इस 10,000 खानदान में सर हर खानदान में 8-10 लोग होते हैं। इतने लोगों का फैसला आपने एक कलम से कर दिया, फिर आप किस एसीएस से कहते हैं कि एक फैक्ट्री ओनर को कि आप दें तनख्वाह, उसको वो तनख्वाह आप रियासत होके उनका रोजगार बंद कर रहे हैं, और यहां पर आप फैक्ट्री ओनर से को कह रहे हैं कि दें। ये दोहरा मयार है, ये जब आप इस तरह के मयार रखेंगे तो लोग आप पर बिलीव नहीं करेंगे। मैं एक मरतबा फिर आपसे और इस ऐवान के सामने ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप जो कहते थे कि ये एमएनएस को सरकारी रिश्वत ये फंड दिया जाता था, जनाब स्पीकर इस दफा कराची में अगर नहीं दिया तो हम 3 एमएनएस को नहीं दिया, कादर पटेल, जाम अब्दुल करीम और मुझे। क्यों? कि मैं पीपल्स पार्टी के टिकट से, यहां पीपल्स पार्टी को लवर मौजूद हैं, वहां पर पीटीआई को भी वोट दिया, कोई खौफ को है, खुदा करो यार। ये बजट के आदाद शुमार आपने किस लिए बनाए? कि वहां पर पाकिस्तानी नहीं रहते? मुझे मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से इंशाल्लाह हम लेंगे, आपसे छीनेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जिस टिकट पे मैंने इलेक्शन लड़ा है वो उस पार्टी के कायद का नाम है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने ये सियासी शऊर दिया है कि आपको अपना हक